में शहीद का मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, और जो हमारा पॉइंट था कि ये केस लॉ से बाधित नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, वफ एक्ट से बाधित नहीं है, आज वही बात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने होल्ड की। बिल्कुल, केस पोषणी और चलने लगे चार साल की लंबी लीगल लड़ाई के बाद और 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई के बाद आज ये जजमेंट आया है। अब तो मेरे कान्हा के लिए हमें माखन मिलाना है और माखन खिलाना है, और मथुरा में अब वो है ढांचे को हटाना। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, अब मथुरा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी कामयाबी मिली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। बड़ा और अहम पड़ाव हिंदू पक्ष ने पार कर लिया है, क्योंकि पोषणीयता एक ऐसा मसला था जिसका हवाला देकर मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष की दलीलों को खारिज करता आ रहा था। कोर्ट से भी अपील करता था जब हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा कि इस मामले में 7-11 रूल बनता ही नहीं है, तो ऐसे में ये जो वाद है ये कहीं स्टैंड नहीं करते। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी, मुस्लिम पक्ष की दलील को भी सुना। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। सर, आज एक बड़ा फैसला आया है कि जो आप दलील दे रहे थे उसे कोर्ट ने माना है और पोषणीयता से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो कोर्ट ने स्वीकार कर। देखिए, हम बराबर से बात कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमेशा ये बात कहता था और लोग कहते थे कि आप क्या बात कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 दिसंबर को ज्ञान व्यापी के केस में बात होल्ड कर चुकी है। साथ ही साथ हमारा जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर कोई किसी मंदिर में घुस जाए और घुस के जबरन नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाता है, उसी तरह स्ट्रक्चर वही रहेगा जो पहले था, वही रहेगा जो था। और शाही ईदगाह मस्जिद में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इट्स अ केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट। 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण में विराजमान करते उनमें निहित है, और जिस ढंग से वहाँ पे गलत कब्जा किया गया है उसके लिए हमें हक है कि हम कोर्ट के सामने आके एक लीगल लड़ाई लड़े। 25 सितंबर 2020 से ये लीगल लड़ाई अनवरत चालू है। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग हुई ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और शाही ईदगाह फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने किन किन, आपने क्या पक्ष रखा और कोर्ट ने किन किन चीजों को अवॉइड करके उससे माना कि जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता? देखिए, अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपना ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है जजमेंट का, अभी जजमेंट अपलोड होगा तो उसकी डिटेल डीजने में हम जाएंगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इस केस को मैंने कोर्ट के सामने पेश किया था, आर्ग्यू किया था, तो हमारा आर्ग्यूमेंट यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट रिलीजियस कैरेक्टर एसेंटेन करने की इजाजत देता है। साथ ही साथ वफ एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दिए हैं, रमेश गोविंद राम के केस में 1979 में और 2010 में बोर्ड ऑफ मुस्लिम वफ में, दोनों में होल्ड किया है कि वफ एक्ट नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होता है, जो वफ का नोटिफिकेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत मूल आधार है, जो बेसिस है जिसके आधार पे फैसला आया है। और जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता था वो एक इलीगल समझौता था, गलत समझौता था। ये सारी बातें हमने कोर्ट में अपने पक्ष रखा है और जिसपे आज माननीय न्यायालय आगे क्या लीगल प्रोसीडिंग और हो सकती है जिससे आपके केस को मजबूती होगी और क्या आप पक्ष रखेंगे कि आगे हमारा आगे हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे सर्वे का आदेश दिया था और ये होल्ड किया था कि यहाँ पे एसआई जो एडवोकेट कमीशन सर्वे वो हो, उसके खिलाफ शाहिद का मस्जिद सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। और ये कहना था उनका कि भाई ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश नहीं पारित कर सकती थी क्योंकि 7-11 की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई। आज 7-11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो गई है, तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामने स्टे वेकेशन की मांग करेंगे और ये कहेंगे इसमें स्टे वेकेट किया जाए, एडवोकेट कमीशन को वहां सर्वे करने की इजाजत दी जाए। आज भी वहां पे बहुत सारे ऐसे सबूत है जो चीख चीख के कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है और वो सबूत कभी भी मिटाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो, उसके स्टे वेकेशन के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही साथ जो आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है इसमें हम कैविएट भी दाखिल करेंगे कि अगर शाहिद का मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आए तो उनका स्वागत करने के लिए हम वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब एएसआई सर्वे की कोई जरूरत
नहीं बिल्कुल, अभी देखते हैं पहले एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो जाए, उसमें क्या चीज निकल के आती है, और अगर एएसआई सर्वे की जरूरत होगी तो हम वो भी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने देंगे। अच्छा, अगली हियरिंग 12 को रखी गई है, तो 12 के बाद फिर क्या नियमित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही सुनवाई चलेगी? नहीं, हमारी पूरी मांग है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका डे टू डे ट्रायल हो, और जो ट्रायल में एक गतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो जो एडवोकेट कमीशन का सर्वे है जिसपे रोक लगी है, वो मुझे लगता है उसको वेकेट कराना जरूरी है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन जो बता रहे हैं कि जो एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने की जो बात थी, जो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है पहले, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके बाद नियमित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो सके इसके लिए वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में आएंगे। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष बेहद खुश है, सुनिए हिंदू पक्षकार का क्या कहना है। इसे कैसे देखा जाना चाहिए? अब आज तो कितनी बड़ी जीत, 355 साल बाद हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है, हम लोगों की मेहनत, हमारे से पहले हमारे पूर्वजों की मेहनत, जिन्होंने हमारे हिंदू संतों ने मेहनत किया था, और आज यह जीत माननीय न्यायालय ने हमको दिया है। अब हम किसी भी तरह से घबराने वाले नहीं है, अब वह दिन दूर नहीं जब वह ढांचा तोड़ा जाएगा और वहां मंदिर बनेगा। एक बड़ी रुकावट यही थी कि वर्शिप एक्ट को जोड़कर मुस्लिम पक्ष अदालत में गुहार लगाता था और चीजें डिरेल हो जाती, बिल्कुल लगाता था, और हम से कहते थे जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली का मुकदमा हमने दर्ज कराया, अवैध उनके पास हुआ है, टंकी नहीं है, टंकी कटी, फर्जी रजिस्ट्रेशन, हमारी संपत्ति पर कैसे विवादित पर वो लोग आ सकते थे, हमने वहां पूजा करके दिखा दिया कि ये हिंदुओं का कब्जा है, हिंदुओं का ये मंदिर है और ये हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। आज न्यायालय ने हमें ताकत दे दी है। उसे एक चीज और बताइए, अब जो सर्वे की मांग की जा रही थी कि वहां पर जो चिन्ह है सनातन संस्कृति से जुड़े हुए उन्हें डैमेज करने की कोशिश हो सकती है साईदगा पक्षी से, तो वहां पर सर्वे की कराया जाए, तो उसके लिए अब क्या आगे सर्वे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अब उसमें डेट आने वाली है और हम बिल्कुल वहां पूरी अपनी पैरवी कर रहे हैं, और जैसे ही यहां तनकी बन गया है, इसी विषय रुका हुआ था हमारा सर्वे कि पहले इनकी 7-11 डिसाइड हो जाए, वो माननीय न्यायालय ने इनके सारे तथ्य देखने के बाद खारिज कर दिया है, एक भी सबूत नहीं दे पाए कि ये उस संपत्ति के मालिक है, तो अब सर्वे तो होगा, और वहां हिंदू प्रतीक चिन्ह लिखे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहां पत्थर वहां हमारे हैं, वहां मूर्तियां हमारी के नीचे हैं, जब खुदाई होगी तो बड़ी बड़ी प्रतिमा निकलेगी, मेरे कान्हा की प्रतिमा निकलेगी, मेरे सभी भक्तों की वहां पहलेदारों की प्रतिमा निकलेगी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, आज सनातन संस्कृति की जीत हुई। अच्छा, है ट्रायल को लेकर कुछ कोर्ट ने आदेश दिया कि कब से ट्रायल इसका शुरू? 9 अगस्त को इसमें तनकी बनेगी। तनकी का मतलब होता है जी इसमें बिंदु इशू, किस बिंदुओं पर यह मुकदमा चलाया जाएगा, वह चलाने के लिए 9 अगस्त माननीय न्यायालय ने अपने न्यायालय में आदेश जारी कर दिया है। हम लोग 9 तारीख को यहाँ उपस्थित रहेंगे, और अब दिल्ली भी जा रहे हैं, कैबिनेट भी हमने तैयार। ठाकुर जी को आप लेकर आते रहे हैं, तो इसे ठाकुर जी की कितनी बड़ी जीत के रूप में? ये ठाकुर जी की जीत है, ठाकुर जी ही छठे नंबर के वादी हैं, और हम लेके आते हैं, यहाँ भी लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, और आज ठाकुर जी ने हमें आज जो दिया है कोई नहीं दे सकता। अब तो मेरे कान्हा के लिए हमें माखन बिलोना है और माखन खिलाना है, और मथुरा में अब वो ढांचे को हटाना है। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, अब मथुरा। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी, वहीं मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इन याचिकाओं पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी। दोनों पक्षों के लिए आज का दिन बेहद अहम था। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 18 याचिकाओं को लेकर फैसला आया है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव और 7 अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वार को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। उसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाएं दाखिल की। गौरतलब है कि 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री और 7 बाकी पक्षकारों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया था। ये याचिका शुरुआत में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में जिला अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना। 2.5 साल के समय के बाद उसी अदालत में अतिरिक्त 17 याचिकाएं दायर की गईं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।